श्याम जी मेले में भगदड़ का मामला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया बड़ा कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खाटू श्याम जी में भगदड़ मचने से मामले में बुधवार को बैठक होने से पहले ही पुलिस मुख्यालय ने रिंगस वृत्ताधिकारी सुरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। डीजीपी एमएल लाठर ने मंगलवार रात को वृत्ताधिकारी को सस्पेंड किए जाने के आदेश जारी किए। सोमवार को सीकर की खाटू श्याम जी मंदिर में अल सुबह भगदड़ मचने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे। इस मामले में निजी सुरक्षा कर्मियों और मंदिर प्रबंधन की बड़ी चूक और लापरवाही सामने आई थी। खाटू श्याम जी के सालाना मेले के साथ अब मासिक मेले में लगातार भक्तों का रेला बढ़ रहा है। 10 साल पहले तक मासिक मेलों में रोजाना 30,000 तक भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते थे, लेकिन बाबा श्याम के दीदार के लिए 4 सालों से मासिक मेलों में भी भक्तों की संख्या 1,00,000 तक पहुंचने लगी है। इसका पता कलेक्टर एसपी के साथ मंदिर कमेटी और सरकार को भी था, लेकिन किसी भी एजेंसी ने लगातार बढ़ती भक्तों की संख्या बाद भी वार्षिक मेले की तरह रूट चार्ट बनाना उचित ही नहीं समझा। प्रशासन की ओर से सालाना मेले में 40,00,000 भक्तों के आने पर बैरिकेटिंग कर भक्तों को मंदिर तक पहुंचाया जाता है। इस तरह की व्यवस्था मासिक मेले में नहीं होने की वजह से अव्यवस्था बढ़ रही है। जबकि कलेक्टर और एसपी ने बातचीत में माना कि रविवार को और एकादशी होने की वजह से रविवार को कई गुना भक्त खाटू पहुंचे थे। लाला मांगेराम व रामजी द्वारा से आने वाले रास्ते पर श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक हो गई थी। भगदड़ जैसे कोई हालात नहीं थे। सुबह दर्शन के लिए प्रवेश द्वार खोले जाने पर भक्त धक्का मारते हुए मंदिर की ओर आने लगे। इसी दरमियान कई श्रद्धालु नीचे गिर गए और यह घटना हो गई। कमेटी मृतकों को 5,000,000 रुपए देने का मुआवजा देगी।